देखिए एक अपने एक दुर्गति का एक नमूना आपको दिखाते हैं। अच्छा पकड़ो, अच्छा पकड़े हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। अपनी दुर्दशा मैं दिखा रहा हूँ, मैं शेर और पपीता है। भाई दादी राजे जाए, इस सब बंदर के लिए काफी खाने को हो जाता है। आज वजन अब जा रहा है, अभी हमको चाय पियेंगे, चाय के पीने के बाद लाइव पर बोलेंगे, लाइव पर बोलने के बाद फिर पशुशाला में जाएंगे जहाँ गधे भैया भरती हैं, नंदी हैं, और किसी को पानी देना है, किसी ने गोबर किया है। ये मेरी मौत है, 81 साल की हमको देख लीजिए, 81 साल की ये हमारी उम्र है। ये आप देखो, देखो हमारी दुर्दशा। इनसे छूटो, पेड़ पौधे यदि सर में जितने बाल उतने काम। जब कोई दिन में मोबाइल करता है इतना गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ अरे भाई अब YouTube पर हमारी वीडियो आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, और अचानक लोग देखेंगे उसी समय फ़ोन मिला देंगे। अरे ये सोचे यार हम कोई बनिया की दुकान में बैठे हैं क्या कि आपने फ़ोन किया, हमने कहा हलो, या हम कोई महंत जी हैं, सब कुछ अकेले हम झेलते हैं, कितना बड़ा बोझा उठा के लाए हैं। ऊपर से पपीता था, अंदर सब सेब भरा हुआ है, सुबह होगा तो फिर उसको हम बनाएंगे कि देखो कितना सेब आ जाता है। तब भाई सुमन जी का एक आदेश है कि नहीं बस कुछ भी हो बाबा, जितना भी हो करो, तो करते हैं। अब बीच में उनका कौन दीक्षित हैं, साधना दीक्षित भोपा वाली, अब उन्होंने कहा बाबा जी ये वो है, हमने कहा देखिए आप अपने इलाके में काम करती रहिए, जो मैं कहता हूँ वही करो, और बच्चों से कराओ, पूरे परिवार से कराओ उस काम को, पूरे परिवार से कराओ। अब जो बंदर खाता है इसी को मैं खाऊंगा। श्रीमती जी भी लेके गई, रात का समय है न, हम रात नहीं, और रात में फल नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सब करना चाहिए, रात दिन क्या है। तो अनाज मत खाओ, कोई बीमारी नहीं आएगी। तो साधना जी से मेरा ये कहना है, भोपाल की हैं, कि देखिए कर्म ही आशीर्वाद, यही हमारी बेटी ने भी हमसे कहा, आप कर्म करो, ये दिमाग से निकालो हिंदुस्तान के लोगों कि वो बाबा और बाबी और ये आशीर्वाद और चरण छू रहे हैं, तो मूर्ख हो, अंधे हो, क्यों तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। किसी के कहने से, मंत्र पढ़ने से शमशान घाट में आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा, समझ गए। ये दिमाग से निकालो पुरानी परंपरा जो है, सब परंपरा लेके घूमते हैं, देख लें जरा सा, देख रहे हैं हर थोड़े देर में फोन। हेलो भैया, मैंने कहा हेलो, अब आप कहते हैं हेलो, अब बताइए। हाँ भैया, एक आप, मैं लाइव पर बोलने जा रहा हूँ, मैं बाहर से अभी आया हूँ, पसीने से नहा गया हूँ, हैं लाइव पर मैं जब बोल लूँगा तो फिर आप फ़ोन मिलाने की कृपा करेंगे। देखा ना, इसी तरह मोबाइल 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 मोबाइल, अब बंद कर दो। अब कहीं हमारी बेटी का मोबाइल आया, वो गुस्सा है, पापा जी आपका मोबाइल का ही बंद रहा। किसी की परेशानी को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो नोट कर लो, तुम्हारे में जानवर में एक फर्क नहीं है, तुम जानवर से बदतर हो इंसान। यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, ऐ दुनिया वालों, कहीं आपने इंसान देखा है? अगर देखा है जरा उसका लक्षण बताइए, और आपने किया क्या है, हम कैसे कहें कि आप इंसान हैं? अभी लाइक पर बोलेंगे, 7:45 बज रहा है, थोड़ी चाय पानी कर लें, गाड़ी को अंदर रखनी है। आज जो बंद हुआ भारत बंद, बहुत अंधी जनता है, अरे मरो क्या बताने, नहीं जनता, अरे इसी कैसी कर दे, कोई भी पार्टी पार्टा हो, क्वेश्चन नहीं जी, आप जनता के गुलाम हैं। वो प्रतिनिधि बना के चुन के भेजते हैं, भरी सिस्टम है बड़ा खराब है हमारे यहाँ का, ये सब बंद करो, वही पुराने पर आ जाओ, पंचायती राज पर, सामने सामने फैसला होगा, ना अदालत ना मुकदमा,
और जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, वो सब गरीब आदमी होगा और हर कौम का आदमी, हर जात का आदमी होगा उसके अंदर। बंद करो ये सब नाटक, धंधा बन चुका है। MLA बन गए, सांसद बन गए, अरबपति बन गए। एक आदमी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो पीछे पड़े, एक बहाना चाहिए, केवल बहाना। तो यही कहते हैं कि BJP वालों सख्त कदम उठाओ, तभी तुम्हारा राष्ट्र बचेगा। लोगों को एक बहाना मौके मत दो। तुम कहते हैं पेट्रोल महंगा हुआ तो इतना महंगा कर दो गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, सब चलो पैदल चलो, साइकिल से चलो। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? मोदी जी का घर बनेगा है? एक बच्ची की जान तो वो तो शो में आया हमारा, ना मानो कितने बच्चे मरे होंगे आज जिनको सो आप, भाई उनकी कोई इंट्री तो है नहीं। सड़क के ऊपर जो जितने चोट खा रहे हैं रायबरेली में, रानबरेली के अंदर, मैं वहीं जा रहा हूँ सड़क, रोज मैं झेलता हूँ, उसकी कोई एंट्री होती है क्या? भाई गड्ढा है, अब हमें साइड से कट गए, अब उधर से कोई आ रहा है या पीछे से आ रहा है, उसने ठोंक दिया, आपस में हमारा पीछी गाली गलौज सब कुछ हो जाता है सड़क खराब होने के कारण। ये नहीं आप लोगों को दिखाई पड़ता? पेट्रोल महंगा हो गया, अब भिंडी सस्ती हो गई। लेकिन ये BJP वालों को मैं दोषी मानता हूँ कि सख्त कदम उठाओ। आपकी सरकार है इस समय, लगा दो मिलिट्री, एक कानून पारित करो जल्दी जल्दी, कोई तोड़ फोड़ आगजनी और कोई कुछ नहीं होगा। अनशन बैठो, महात्मा गांधी के देश के हो है? तो महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए? अरे उनके आदर्शों पर चलो, अनशन में बैठ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाइफ पर बोलेंगे, थोड़ा चाय पी लें, नहाना भी है।